हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमारा जो लेसन नंबर 7 था वो कंप्लीट हुआ था, तो उसके प्रैक्टिस बुक के जो थोड़े से बचे थे वो मैं आपको उसके पिक्स सेंड कर दूंगी. ओके, एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 8, द क्यूरियस बेबी एलिफेंट. अच्छा, आपको क्यूरियस यानी पता है क्या? जो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है किसी भी चीज़ के लिए जानने के लिए, है ना. हम उसको बोलते, जिसको कोई भी चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है ना, हम उसको बोलते क्यूरियस. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी. व्हाई डू एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स? आपको पता है क्या कि एलिफेंट्स की ट्रंक क्यों होती है सूंड? व्हाई डू जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक? जिराफ की लॉन्ग नेक क्यों होती है? व्हाई डज अ मंकी हैव अ लॉन्ग टेल विद अ चिंपैंजी व्हेन अ चिंपैंजीज डोंट डज नॉट? आपको पता है क्या कि मंकी की लॉन्ग टेल क्यों होती है और चिंपैंजीज की नहीं होती है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स टू वंडर अबाउट दैट इट कैन ड्राइव एनीवन टू क्वेश्चन ऑल द टाइम. देखो, हमारी दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमको हर समय सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर सकती है. बहुत सी चीज़ें हैं ना, दैट्स एग्जैक्टली वॉट वन बेबी एलिफेंट डिड. और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो एक बेबी एलिफेंट हमेशा करता था. रीड ऑन टू फाइंड आउट वेयर हिज क्यूरियोसिटी टुक हिम. और अब देखो कि अब उसकी इच्छा यानी इसका ये उत्साह उसको कहाँ ले गया. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. ही हैड ओनली अ ब्लैकिश बल्की नोज एज बिग एज बूट दैट ही कुड विगल फ्रॉम साइड टू साइड, बट ही कुडेंट पिक अप थिंग्स विथ इट. बट देयर वॉज वन एलिफेंट एज एन एलिफेंट्स बेबी वॉज हु वॉज फुल ऑफ क्यूरोसिटी. दिस मीन्स ही आस्ड मैनी क्वेश्चन. ही लिव्ड इन अफ्रीका एंड ही फुल्ड ऑल अफ्रीका विथ क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहा है कि बहुत 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 समय पहले एलिफेंट्स की ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं होती थी, है ना. उनकी नोज होती थी बिल्कुल राउंड राउंड शेप की, सिर्फ एक बूट के बराबर. ओके, और कि जिसको वो थोड़ा सा इधर उधर कर सकता था, मूव कर सकता था, बट कोई चीज़ वो उससे उठा नहीं सकता था. और उसी समय एक बेबी एलिफेंट था, ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी कोई भी चीज़ जानने की. इसका मतलब क्या था कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता था और वो अफ्रीका में रहता था और उसने पूरे अफ्रीका को क्वेश्चन से भर दिया था. ओके, ही आस्क्ड आंट ऑस्ट्रिच व्हाई हर टेल फीदर्स ग्रो द वे दे डिड. वो ऑस्ट्रिच से क्या पूछते हैं कि उनके जो फीदर्स होते हैं वो उनके जैसा वो चाहते हैं वैसा क्यों ग्रो करते हैं. ही आस्क्ड अंकल जिराफ हाउ मेनी स्पॉट्स डू यू हैव. वो अंकल जिराफ से पूछता है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी पे कितने सारे स्पॉट्स हैं, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं वो. ही आस्क्ड आंट हिप्पो व्हाई योर आईज रेड. वो आंट हिप्पो से पूछता है कि आपकी आंखें क्यों रेड है. ही आस्क्ड अंकल बैम्बून व्हाई डू द मेलन्स टेस्ट सो स्वीट. वो अंकल बैम्बून से पूछता है कि मेलन का जो टेस्ट होता है वो इतना मीठा क्यों होता है. ओके, पीछे टर्न करेंगे और देखेंगे पेज. ही वॉज सच अ क्यूरियस बेबी एलिफेंट दैट ही ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. ही आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एनी थिंग दैट ही सॉ और हर्ड और फील्ड और स्मेल और टच्ड. एवरीबडी अवॉइडेड हिम एंड रन अवे द मोमेंट दे सॉ हिम कमिंग अप विद अ क्वेश्चन, बट दैट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम आस्किंग मोर क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहा है कि वो इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि वो हर समय क्वेश्चन ही करता रहता था. और उसके बाद जो वो देखता, सुनता, फील करता, स्मेल करता, टच करता, उस हर चीज़ को लेकर वो क्वेश्चन करता था. तो हर कोई उसको क्या करता था, अवॉइड करता था, उससे दूर भागता था, क्योंकि सब उसके क्वेश्चन से सवाल थे. बट इतने के बाद भी उसकी ये जो हैबिट थी क्वेश्चन करने की वो नहीं छूटी. अब क्या हुआ, वन मॉर्निंग वन फाइन क्वेश्चन केम अप इन हिज माइंड, व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. अब एक सुबह उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. हश, सेड ऑल द एनिमल्स लाउडली टुगेदर. सारे एनिमल्स ने एक साथ क्या बोले, हुश, ऐसे करके, यानी एकदम परेशान हो गए थे वो. देन ही सॉ अ कोलो कोलो बर्ड सिटिंग इन अ मिडिल ऑफ अ बश एंड ही सेड, एवरीबडी इज एंग्री विथ मी बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो वॉट द क्रोकोडाइल ईट्स फॉर डिनर. उसने कोलो कोलो बर्ड को देखा जो कि एक ब्रांच पे बैठी थी, समझो, और वो कहता है उससे कि मुझे सब मुझ पे गुस्सा कर रहे बट फिर भी मुझे जानना है कि क्रोकोडाइल खाने में क्या खाता है डिनर में. द कोलो कोलो बर्ड गेव अ सैड क्राई एंड सेड, गो टू ग्रे ग्रीन क्रेसी लिम्पोप रिवर यू विल फाइंड योर आंसर. वो जो कोलो कोलो बर्ड थी वो भी उससे परेशान थी, उसने बड़ा ऐसे रोते रोते बोला कि हाँ जाओ वहाँ, तुमको एक लिम्पोपो रिवर है जो कि काफ़ी ग्रे है, ग्रीन है, ग्रेजी है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके तुमको तुम्हारे सवाल का आंसर
मिल जाएगा. सो ऑफ ही वेंट कैरिंग अ लोड ऑफ बनानाज एंड शुगर केन एंड मेलन. ही न्यू ही वुड बी हंग्री ऑन द वे. यू सी आफ्टर अ वीक ऑफ ट्रडिंग एंड बगिंग ही रीच द लिम्पोपो रिवर. और उसके बाद में वो सवाल ढूंढने के लिए उस रिवर पे चले गया और उसने अपने साथ बहुत सारे बनानास ले गया, शुगर केन ले गया और मेलन ले गया, क्योंकि उसको पता था कि उसको भूख लग जाएगी रास्ते में. और एक वीक के बाद इतना लंबा सफ़र तय करते करते घूमते घूमते चलते चलते वो फाइनली रिवर पे पहुंच गया. एट द एज ऑफ द रिवर ही स्टेप्ड ऑन व्हाट ही थॉट वाज अ लॉन्ग ऑफ वुड. इट विंग्ड वन आई. और उसके बाद पता है वो चलते चलते रिवर के बिल्कुल किनारे पे पहुंचा और उसने पैर रखा जहां उसको लगा था कि वो वुड है, पर उस वुड की तो आंखें खुल गई एक आंख. एक्सक्यूज मी बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट, आज द बेबी एलिफेंट पोलाइटली. उसने पूछा कि एक्सक्यूज मी, क्या आपने यहाँ कहीं पे क्रोकोडाइल को देखा. उसने बड़े अच्छे से पूछा. द क्रिएचर ओपन द अदर आई एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड. जो भी चीज़ थी वो उसने अपनी दूसरी भी आँख खोली और अपनी जो टेल थी उसको मट्टी में से बाहर निकाला. आई एम द क्रोकोडाइल ही सेड. और उसने क्या कहा, मैं हूँ क्रोकोडाइल. द बेबी एलिफेंट ग्रो एक्साइटेड एंड ही नेल्ट डाउन. और बेबी एलिफेंट को बड़ा एक्साइटमेंट हुआ तो वैसे झुक गया. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दीज डेज ही सेड. विल यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर. उसने क्या कहा, अरे मैं आपको तो बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आप डिनर में क्या खाते हैं. स्प्लैश एंड क्रोकोडाइल स्टेल बैक इन टू द ओजी मड. क्या हुआ, अब उसने अपनी जो मड से जो टेल बाहर निकाली थी उसको वापस से डाला तो सारा जो मड था वो ऐसे स्प्लैश हुआ ऊपर आया, है ना. कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर एंड आई विल विस्पर इन योर ईयर सेड द क्रोकोडाइल. उसने कहा पास आओ छोटे बच्चे, पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे कान में कि मैं क्या खाता हूँ. द बेबी एलिफेंट पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स मस्की टस्की माउस एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज. बेबी एलिफेंट ने क्या किया, अपना कान लेकर गया उसके पास में, ऐसे धीरे से झुका और क्रोकोडाइल ने क्या किया कि जल्दी से उसकी जो नोज थी उसको पकड़ लिया. अब पेज टर्न करेंगे और देखेंगे आगे क्या हुआ. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल बिटवीन हिज टीथ, आई थिंक टूडे आई विल बिगिन विथ यू बेबी एलिफेंट. उसने क्या कहा क्रोकोडाइल ने कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आज मैं तुम्हें खाने से हमारे खाने की शुरुआत करूंगा. द बेबी एलिफेंट नो ही वॉज इन प्रिक्टेबल, ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्केश एंड पुल्ड. और फिर उसने क्या किया, बेबी एलिफेंट को पता चल गया कि ये तो बहुत बड़े खतरे में फंस गया है, तो वो क्या किया, अपने बैक लेग से एकदम पीछे की तरफ झुक गया और खुद को पीछे पीछे खींचने लगा. द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड. और क्रोकोडाइल पानी में घुसते गया और उसको पीछे पीछे खींचने लगा. बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड पुल्ड, वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे. एंड द एलिफेंट्स नोज कैप्ट स्ट्रेचिंग, और एलिफेंट की जो नोज थी वो ऐसे खींचती जा रही थी. द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन वाटर एंड पुल्ड. और सेम चल रहा था, क्रोकोडाइल पानी में अपने आप को खींच रहा था. बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड द बेबी एलिफेंट्स नोज कैप्ट स्ट्रेचिंग एज एट लास्ट व्हेन द क्रोकोडाइल कुडंट पुल एनी मोर ही लेट इट गो. तो वही हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे और फिर आखिरकार ये हुआ कि बेबी एलिफेंट की नोज खींचती जा रही थी तो क्रोकोडाइल जब आखिरी में उसको खींचने में बिल्कुल क्रोकोडाइल को बना ही नहीं तो क्रोकोडाइल ने उसे छोड़ दिया. थर्ड फेल द एलिफेंट्स बेबी विथ अ बिग थग राइट ऑन हिज बिग बोर्ड बैग. और बेबी एलिफेंट को अपनी बैग पे थोड़ा सा लग गया. ही लुक्ड एट हिज नोज, ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड. इट वॉज लॉन्ग, सो लॉन्ग, ही कुड स्विश इट अराउंड बट इट हर्ट्स हिम ऑफेफुल. उसने अपनी नोज देखा तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नोज एंड कहाँ हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, जो क्योंकि उसकी नोज बहुत बड़ी हो गई थी. उसको इधर उधर तो कर पा रहा था बट वो उसको बहुत दर्द कर रहा था. सो ही रैप्ड द नोज इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक. उन्होंने क्या किया, अपनी नोज को फट से जो बनाना लीफ थी उसमें लपेट लिया. उसको लगा कि अभी सुकड़ के वापस पहले जैसी हो जाएगी. ही वेटेड एंड वेटेड बट नथिंग हैपेंड. ही कुड स्टिल स्विश इट ऑल अराउंड एंड द एंड ऑफ द थर्ड डे अ फ्लाई केम एंड स्टग हिम ऑन द शोल्डर एंड बिफोर ही नो व्हाट ही वॉज डूइंग ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक एंड हिट दैट फ्लाई डाइड विद द एंड ऑफ इट. वो बड़ी देर तक वेट किया पर कुछ हुआ नहीं. उसके बाद भी उसकी जो ट्रंक थी वो इधर उधर हो ही रही थी. ठीक है, अब एक लास्ट डे थर्ड दिन क्या हुआ कि एक पक्षी कोई आकर उसकी शोल्डर पे बैठ गया. तो पहले उसको समझ में आता कि वो क्या कर रहा है, उसकी जो ट्रंक थी वो
उसने उस पक्षी को ऐसा हटा के मारी और वो वहां से उड़ गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को ही कहा, दिस सीम्स टू बी अ यूजफुल थिंग, उसको लगा कि हाँ ये तो कुछ काम की चीज है। ही फेल्ट बेटर नाउ एंड हंग्री टू, अब उसको अच्छा भी लग रहा था और भूख भी लग रही थी। ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रासेस, डस्टेड इट क्लीन अगेंस्ट द फोर लेग्स एंड स्टम्प्ड इट इनटू हिज माउथ। ही फाउंड दैट ही कुड इजिली प्लंग द फ्रूट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल। ही वॉज हैप्पी विथ दैट हिज न्यू नोज वॉज टर्निंग आउट टू बी यूजफुल। अब क्या हुआ, उसे भूख भी लग गई थी और उसको बेटर भी लग रहा था, तो उसने क्या किया, अपनी लॉन्ग नोज से ग्रासेस निकाले, उसको साफ किया और उसको खाने लगा। फिर उसने क्या किया, जल्दी से अपनी ट्रंक को यानी अपने नोज को ऊपर किया और खूब सारे फ्रूट्स जो थे वो ट्री पर से तोड़ लिया। अब उसको वेट नहीं करना पड़ रहा था कि कब ये पेड़ से जो फ्रूट हैं वो नीचे गिरेंगे और कब ये उनको खाएगा, ठीक है। अब उसको फट से वो बन जा रहा था और इस चीज़ से तो वो बहुत हैप्पी था कि उसकी जो ट्रंक है वो यूजफुल है, उसकी न्यू नोज यूजफुल है। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली एंड हैड फन थ्रोइंग वाटर टू एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर विथ हिज न्यू ट्रंक। व्हेन द अदर एलिफेंट्स कुड बियर इट नो लॉन्गर, दे ऑल वेंट टू द क्रोकोडाइल टू गेट अ न्यू नोज जस्ट लाइक हिज। सो थैंक टू द वेरी क्यूरियस एलिफेंट्स बेबी, ऑल द एलिफेंट्स टुडे हैव लॉन्ग ट्रंक। अब फिर वो अपने घर वापस गया अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ। वो उन पे पानी फेंक फेंक के खेल रहा था अपनी न्यू ट्रंक से। जब सारे लोग ये देखे तो उनको उसकी जो नोज थी वो बहुत अच्छी लगी। अब जब उनसे बिल्कुल वेट नहीं हुआ तो उन लोगों ने भी क्या किया, क्रोकोडाइल के पास चले गए न्यू नोज लाने के लिए। और फिर उस बेबी एलिफेंट को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उसके कारण आज सारे एलिफेंट्स की ट्रंक के